आपका भाई जा रहा है दुनिया की जो सबसे गरीब कंट्री है। ये नंबर है भाई साहब, आई एम शूटिंग मी इंडिया का 1 रुपया और ब्रुंडी के 30 सबसे गरीब कंट्री बुरुंडी। तो एक टेंशन वाली बात चल रही है, मंकी पॉक्स चल रहा है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ब्रुंडी की। स्वागत है भाई आपका किगोमो में। किगोमो में तो हम पहुंच गए, हम डार एस सलाम से निकले थे किगोमो के लिए, अफ्रीका की फर्स्ट क्लास ट्रेन में, अफ्रीका की वीआईपी क्लास ट्रेन में। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 45 आवर्स लग गए, 45 घंटे, जबकि बताया गया था हमारी टिकट पे के 36 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमें 45 घंटे लगे। हमें पिछली रात को पहुँचना था यहाँ पे, लेकिन हम अभी सुबह आके 6 बजे पहुँचे यहाँ पे। और आपको बताता चलूं कि मैं अभी किगोमो सिटी में पहुंच गया हूं। ये किगोमो, ये एक लेक पोर्ट है किगोमो उजीजी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तंजानिया में ही पड़ता है। और आपको बताता चलूं कि यहां पे साथ में एक लेक है, जिस लेक का नाम है टंगनिका। टंगनिका तंजानिया का पुराना नाम हुआ करता था, अभी तो तंजानिया है, लेकिन पहले इसको टंगनिका बोला करते थे। तो टंगनिका के नाम से ही ये लेक है, और ये जो सिटी है इस लेक के नॉर्थ ईस्टर्न शोर पे आती है। और ये सिटी बहुत ही क्लोज है भाई 2 कंट्रीज के, एक तो आ गई ब्रुंडी और दूसरी आ गई द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लेकिन जो मेरा प्लान हो रहा है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ब्रुंडी की तरफ, और यहाँ से ब्रुंडी की बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ 62 किलोमीटर के फासले पे है। कैसा मेरा सफर रहता है, वीज़ा वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास, वीज़ा मिलता है नहीं मिलता है, नेक्स्ट कंट्री में एंट्री कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, सब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने यहाँ से आके 50 USD चेंज करवाए। ऐसा सुना है कि बॉर्डर पे $40 देने होते हैं, $40 फी होती है बुरुंडी वीज़ा का। तो हम अगर उसको 50 दे देंगे या 100 दे देंगे तो वापसी में शायद हमें मिले या ना मिले, तो इसलिए मैंने एक्सचेंज करवा के $40 है जो अपने पास रख दिए, सीधे उसको $40 ही दूंगा। तो हमारा टुक टुक वाला बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, और यहाँ से हमें बॉर्डर जो जाना है 62 किलोमीटर के फासले पे है, मनयुवु बॉर्डर का कुछ इस तरह का नाम है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है। भाई साहब अभी किगोमो बस स्टैंड पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो किगोमो रेलवे स्टेशन से यहाँ तक कुछ लगभग 2 किलोमीटर का फासला है, और हमने जो ऑटो वाले को दिया 5000 तंजानियन शिलिंग्स दिए, ज़्यादा इसलिए उसको हमने दिए क्योंकि हमें बैंक भी जाना था USD एक्सचेंज करने, क्योंकि बॉर्डर पे जाके हमें जो मनी चेंज्ड मनी होगा हमारे पास तो देंगे, एक ही बार $100 दे देंगे तो शायद हमें वापस ना मिले। हाँ, ये कुछ इस तरह का बस स्टैंड है, अभी हमने यहाँ पे पूछा जाके बस को लेके। और बसेस अगर आपको चाहिए ना बुरुंडी के लिए, अगर आपको बसेस चाहिए तो आप लोग सुबह सुबह आइए यहाँ पे, सुबह 6 बजे बसेस जाती है यहाँ से बुजुम्बरा को, लेकिन अभी तो कोई भी बस नहीं है, यहाँ से बसें सारी हैं जो चली गई हैं। तो अभी यहाँ पे कि इनका प्राइवेट सेक्शन है, प्राइवेट स्टाफ है, जहाँ से कुछ बसेस हैं या छोटी कैब्स वगैरह जाती हैं वहाँ जाके पूछते हैं, अगर वो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो आज हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कल हम लोग ना बुजुम्बरा की तरफ नहीं निकले थे, हम लोगों ने यहाँ पे किगोमो बस स्टैंड के साथ रूम वगैरह ले लिया था। मसला ये था कि यहाँ से गाड़ी है जो बुजुम्बरा के लिए जाती है बिल्कुल सुबह सुबह, लाइक 6:30-7 बजे निकल जाती है। हमें गाड़ी तो बस स्टैंड से नहीं मिली थी, लेकिन छोटी गाड़ियां जा रही थी, तो उस स्टैंड पे पहुंचते पहुंचते हम बहुत लेट हो गए, 10 बज गए, कुछ 11 बज गए। तो हमने कहा हमें जाना है सिर्फ 3 दिन के लिए बुरुंडी में ट्रांजिट वीज़ा को लेके, ट्रांजिट वीज़ा हमें $40 का मिलता है। अगर हम कल 10 या 11 बजे, पिछले कल 10 या 11 बजे निकलते तो हमें सिर्फ बुरुंडी पहुंचते ही बुरुंडी को हम एक्सप्लोर कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमारा ये मानना है हमारे पास सिर्फ 3 दिन का वीज़ा होगा, आप ब्रुंडी का ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हो और टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो, तो हमें जाना है ट्रांजिट वीज़ा पे। हमें 3 दिन के वीज़े के लिए जाना है, और 3 दिन का टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी करना है। तो हमने सोचा हम रात को रुक ही जाते हैं और सुबह 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 निकल जाते हैं। तो अभी ये जो आप बस देख रहे हो, इस बस की टिकट है जो हमने कल ही ले ली थी, ये हमें पड़ी कुछ 25,000 तंजानियन शिलिंग्स की, बस कुछ इस तरह की है, खटारा सी बस है, बुरुंडी की बस है, बट क्या करें सुबह सुबह जा रही है, हमें पहुंचना है, पहुंच के हमें बुरुंडी को देखना है, एटलीस्ट एक वीडियो तो हमारी और बन जानी चाहिए, 2 वीडियोस आज हमें बनानी है, एक यहां से वहां पहुंचने की और दूसरी वहां के आगे पीछे जाके एक्सप्लोर करेंगे। भाई साहब सफर हमारा जारी है, तकरीबन हमने 20 से 30 किलोमीटर का सफ़र हमने तकरीबन है जो कर दिया है। क्या ऑसम वाइब्स आ रही है भाई, हिल स्टेशन रोड्स वाव, और से एक सुबह सुबह का मौसम है, क्या नज़ारा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त भाई। और साथ में हमारे उस्ताद जी को एक बार देख लीजिए,
हमारे इंडिया में मुझे पता है कई ड्राइवर्स हैं जो ऐसे करते हैं, सिर्फ सीट बेल्ट को अपने बट्स के नीचे रख देते हैं और ट्रैफिक पुलिस को दिखाने के लिए कि उन्होंने सीट बेल्ट है जो पहनी हुई है। वैसे ही ये बुरुंडी के ड्राइवर हैं। एक्चुअली ये बस है जो बुरुंडी की बस है और ये ड्राइवर भी बुरुंडी के हैं। इन्होंने भी जुगाड़ लगा के अपने नीचे जो सीट बेल्ट लगा के रखी हुई है। केन्या, तंजानिया, रुआंडा, उगांडा, कोंगो। अच्छा, ये आपको मैं पासपोर्ट दिखा रहा था, लाइक इट्स टेम्परेरी पासपोर्ट है। ये एक बुरुंडी की लड़की मेरे साथ बैठी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ इस पासपोर्ट से 5 कंट्रीज ट्रैवल कर सकती है, रवांडा, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, कोंगो। 5 कंट्रीज में ये ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ इस तरह का है इनका पासपोर्ट ये, तो ये तो मैं नहीं दिखाऊंगा अभी बीच में से खोल के, बट इस तरह का है ये। हमारा तो एक ही पासपोर्ट होता है, लेकिन इनका ऐसा पासपोर्ट भी बनता है जिससे ये लाइक ईस्ट अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में घूम सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद भाई अपनी गाड़ी है जो रुके जा रही है, क्योंकि हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पुलिस पोस्ट मिलती है रास्ते में और चेकिंग होती है और पासपोर्ट पूछा जा रहा है, वीज़ा पूछा जा रहा है। तो भाई साहब फाइनली 62 किलोमीटर्स का सफ़र तय करने के बाद हम मनयुवू बॉर्डर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारी तंजानियन साइड पे इमिग्रेशन है जो क्लियर हो गई है, तो अभी हमें निकलना है बुरुंडी वाली साइड पे। बुरुंडी की बिल्कुल साथ में नहीं है, यहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं ये हमारी बस है। तो यहाँ से कुछ फासले पे है लाइक बुरुंडी की इमिग्रेशन। और तंजानिया में तो सिंपल था, हमें यहाँ पे जब एग्ज़िट करना होता है तो एग्ज़िट करने में उतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, कितने खर्चा किया, कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, कितना खर्चा आया, अभी कहाँ जा रहे हो, यही पूछा हमें। तो अभी हमें निकलना है बुरुंडी की इमिग्रेशन की साइड, वहाँ पे वीज़ा हमें कितने का मिलता है, क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं, सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तंजानिया बॉर्डर से तो एग्जिट कर लिया भाई साहब हमने, अभी हम जा रहे हैं बुरुंडी बॉर्डर की तरफ। तो एक टेंशन वाली बात चल रही है यार, यहाँ पे आके हमें पता चला कि यहाँ पे मंकी पॉक्स चल रहा है। कहाँ पे? बुरुंडी में। तो इस वायरस का जो स्टार्टअप हुआ था वो हुआ था कोंगो से। कोंगो में बहुत सारे केसेस थे, बुरुंडी में तो कम केसेस हैं, कीनिया में भी केसेस थे, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रहना है, किसी के कपड़े नहीं पहनने, हाथों को सैनिटाइज करके रखना है, मीट नहीं खाना है, पानी गर्म पीना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं। हमने तो बुरुंडी में ज़्यादा नहीं रुकना है, बट फिर भी हमें अलर्ट रहना है। और आप लोगों को भी बता दूं, मंकी पॉक्स जो वायरस है बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा वायरस है, आपकी जान जा सकती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो कम से कम आपको 3 वीक्स में आप ठीक हो जाएंगे, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपकी डेथ भी हो सकती है। स्वागत है भाई आपका दुनिया के सबसे गरीब देश बुरुंडी में। बुरुंडी में मेरी एंट्री हो चुकी है, इमिग्रेशन मेरी दोनों साइड स्मूथ रही थी। आपको जैसे पता है तंजानिया से एंट्री कर रहा था, तंजानिया में भी मेरी स्मूथ इमिग्रेशन रही, फिर उसके बाद बुरुंडी में भी आके स्मूथ इमिग्रेशन रही। 40 USD मुझे पे करने पड़े बुरुंडी का वीज़ा लेने के लिए। सब कुछ स्मूथ रहा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ। हमने $100 किसी को दिए एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि हमें मनी एक्सचेंज करने थे। हमें जब बंदे ने डॉलर्स को चेंज करके दिया, लाइक छोटे डॉलर्स चाहिए थे, $20 चाहिए थे, क्योंकि $40 हमें पे करना था यहाँ पे। $40 हमें वीज़ा की फ़ी है जो पे करनी थी। जब $100 को $20 में चेंज करके हमें किसी बंदे ने दिया, उसमें जो $20 है एक फेक निकला, फेक इन द सेंस लाइक वो नहीं चल रहा था हम यहाँ पे वीज़ा के लिए जब उनको दे रहे थे। कभी भी डॉलर्स एक्सचेंज करवाएं या कोई भी मनी एक्सचेंज करवाएं, एक बार उनको ध्यान से आंखें खोल के देख लें कि ये मनी सही है या नहीं है। हमारे पास फिर और डॉलर्स थे, हमने वो डॉलर्स दे के हमने वीज़ा तो ले लिया। फिर आपको बता देता हूँ, आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करनी है, यहाँ पे आप लोग बॉर्डर पे करेंसी है जो एक्सचेंज कर सकते हैं। भले ही इलीगल है, लेकिन आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है भाई साहब। हमने सिर्फ और सिर्फ $50 चेंज करवाए और $50 में 3.5 लाख ब्रूंडियन फ्रेंक हमें मिला। इंडिया का 1 रुपया और ब्रूंडी के 35 फ्रेंक के बराबर होता है। आपको बोलूँगा, कभी भी आप ब्रूंडी आएँ, बॉर्डर पे ब्लैक मनी आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, आपको बहुत सारे पैसे मिलने। अगर आप बैंक में एक्सचेंज करवाएंगे तो वही रेट मिलेगा जो एक्चुअल में रेट चल रहा है। हमने 50 USD के बन रहे थे 1.5 लाख के करीब करीब, लेकिन हमने 3.5 लाख ब्रूंडियन फ्रेंक हमने लिया। ये है हमारी बस भाई, बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह हो रही है, तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी कंप्लीट चेकिंग बैग्स वगैरह चेक कर रहे हैं। बुरुंडी साइड इस बॉर्डर का नाम है जो मोगिना है, और तंजानियन साइड बॉर्डर का नाम है जो मनयुवू। तो ये जो बॉर्डर है कि गोमा से लेकर यहाँ तक 63 किलोमीटर का फासला है, तो लगभग आपको 2 घंटे तो लग ही जाते हैं यहाँ पहुँचते ही।
तो भाई साहब अब हमारी एंट्री वापस बस में हो रही है और अभी हम बुजुमरा की तरफ जा रहे हैं। बुजुमरा यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के फासले पे है और बुजुमरा बुरुंडी की फॉर्मर कैपिटल और सबसे लार्जेस्ट सिटी है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था बुरुंडी की स्टैंप, आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुकी है। और ये हमने ट्रांजिट वीजा लिया, एक्चुअल में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का वीजा लिया, ट्रांजिट वीजा लिया, तो वो हमें पड़ा $40 का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और अगर आपको पूरे मंथ का वीजा चाहिए उसके लिए आपको $100 पे करने होते हैं और आप पूरा महीना यहाँ पे रह सकते हो। तंजानिया का जो टाइम है इंडिया से 2.5 घंटे पीछे था, लेकिन अभी हम बुरुंडी पहुंचे तो बुरुंडी का टाइम आप देख लीजिए, अभी बुरुंडी में 10:55 हो रहे हैं और इंडिया का टाइम है 2:25। सो लगभग 3.5 घंटे का फर्क पड़ गया भाई। मूंगफली आप देख सकते हैं भाई, मूंगफली का बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, शायद यहाँ से आगे ले जा रहे हैं काफी। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंडिया का स्टेयरिंग है जो इस साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है, और इनका जो स्टेयरिंग आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे है। पहले हमने नोटिस नहीं किया, अभी जैसे ही हमने एंट्री किया यहाँ पे बुरुंडी में और हमें पता चल रहा है कि ड्राइवर साहब है जो उस साइड पे है, पहले से हमें पता था लेकिन यहाँ पे आगे मीन्स उल्टा स्टेयरिंग है, इंडिया का अलग साइड पे होता है और इस साइड का अलग साइड पे होता है। एक स्टॉप पे आके गाड़ी है जो खचाखच भर गई है भाई साहब, पूरा आप हमारे पीछे देख लीजिए, ये हालत हो गई है तो अभी डर भी लग रहा है कि हमारी चोरी ना हो जाए, बहुत खचाखच भर गई है। अभी ड्राइवर सीट है, ड्राइवर सीट के ऊपर भी भाई साहब, ड्राइवर के ऊपर भी बंदे चढ़ गए भाई। अपने बैग्स वगैरह की हालत देख लो भाई साहब, बैग्स वगैरह भी अभी पूरे तरीके से एक रश के साथ साथ बैग्स भी बहुत ज्यादा हो गए भाई साहब। अभी आपने देखा टूल टैक्स हमने कैसे क्रॉस किया, एक वायर के साथ बीच में इन्होंने बिछाया और उसको वापस किया, फिर हमारी गाड़ी क्रॉस हो गई। वाकई ही दुनिया का सबसे गरीब देश है यार ये। तो भाई साहब अभी आपके भाई का सफर दुनिया की सबसे गरीब कंट्री बुरुंडी की तरफ हो रहा है। तो ये है लैंड लॉक कंट्री जो कि ग्रेट रिफ्ट वैली में आती है, और आपको बताता चलूं कि अफ्रीकन ग्रेट लेक्स और साउथ ईस्ट अफ्रीका के ये जंक्शन पे आती है, और ये कंट्री है जो बॉर्डर बनाती है रवांडा के साथ नॉर्थ की तरफ से, तंजानिया के साथ भी बॉर्डर बनाती है ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ से, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के साथ भी बनाती है वेस्ट की तरफ से। और मजे की बात मैं आपको बताता चलूं कि लेक तंगनिका है जो ये भी इसके साथ है, वो आता है साउथ वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से। और आपको बताता चलूं कि अभी हम जा रहे हैं इसकी लार्जेस्ट सिटी बुजुमरा की तरफ, लेकिन इसकी जो कैपिटल है अभी गिटेगा है, लेकिन जो फॉर्मर कैपिटल हुआ करती थी वो बुजुमरा हुआ करती थी। सफर को एंजॉय कर रहे हैं, फुल एडवेंचरस है, रोड की पूरी हालत है, खस्ता हालत है, एक टाइम पे एक ही गाड़ी क्रॉस हो सकती है और धूल ही धूल और मिट्टी ही मिट्टी। अभी हम जा रहे हैं बुरुंडी की लार्जेस्ट सिटी की तरफ और आप रोड की खस्ता हालत देख सकते हो, लेकिन असम नज़ारे को भी इंजॉय कर सकते हैं लेक तंगनिका को देख के। रफ रोड तो फिलहाल के लिए ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी जिस रोड से हम निकल रहे हैं बिल्कुल सिंगल रोड है, 10 से 15 मिनट तक हम इस रोड पे चल चुके हैं। उस्ताद जी गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे हैं, चले होप फॉर द बेस्ट कि हमारा जर्नी अच्छा रहे। और अभी भाई साहब हम एक छोटे से टाउन में पहुँच गए, आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की शादी है यहाँ पे, लेकिन शादी नहीं है भाई साहब, ये किसी का जनाजा हो गया, किसी की डेथ हो गई है और उसकी बॉडी को लेके जा रहे हैं बरी करने के लिए, और बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं। तवा हुतू तुत्सी ये इतनी ग्रुप से यहाँ पे 500 साल तक ये बुरुंडी में रह चुके हैं। 200 साल तक बुरुंडी एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, फिर उसके बाद 1885 में ये जर्मन कॉलोनी का पार्ट बन गया जिसको जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को जब डिफीट किया गया, फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशंस ने मैंडेट कर दिया बुरुंडी और रवांडा को कंबाइंड टेरिटरी बना दिया, जिसको रवांडा और युरुंडी टेरिटरी कहा जाता था, ये बेल्जियम के हवाले कर दिया। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट टेरिटरी में। फिर बुरुंडी को जो इंडिपेंडेंस मिली है वो 1962 में मिली है, और इंडिपेंडेंस के बाद भी बुरुंडी के अभी वही हालात है। अभी आप मेरी गाड़ी पे देख सकते हो, ये लड़की हमारे साथ आके बैठी हुई है, पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरा खचाखच भरा हुआ है। रोड्स की हालत मैंने दिखाई आपको, खस्ता हालत रोड की, धूल उड़ रही है, और जहाँ पे हमें ब्लैक टॉपिंग कुछ मिली, स्टार्टिंग में ब्लैक टॉपिंग थोड़ी अच्छी थी, लेकिन आगे आके ब्लैक टॉपिंग तो कुछ मिल रही है लेकिन बिल्कुल सिंगल मिल रही है। धूल आपको हर जगह पे मिलेगी, करेंसी इनकी बिल्कुल डाउन है, इसीलिए इसको दुनिया की सबसे गरीब कंट्री कहा जाता है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक इस कंट्री के लिए बताया गया कि इस कंट्री में लोग है जो बहुत कम खुश रहते हैं। ये कंट्री वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, पॉवर्टी को फेस किया है, करप्शन को फेस किया है, इंस्टेबिलिटी को फेस किया है, इलिटरेसी को फेस किया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। और ये लोग बेचारे किस हिसाब से खुश रहे। भाई साहब पता नहीं क्या प्रोग्राम हो रहा है भाई। आप शादी का फंक्शन हो रहा था भाई, उसी को एंजॉय कर रहे थे यार। आई विश कि हमारे पास टाइम होता और हम उधर के इनके साथ एंजॉय करते, इनके घर जाते, डांस वांस करते। बड़ा मजा आ रहा था इनको देख के। तो स्वागत है भाई आपका बुजुम्बरा में। ये है बुरुंडी की सबसे लार्जेस्ट सिटी। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। इस कंट्री ने 1962 में आज़ादी ली थी, लेकिन आज़ादी लेने के बाद भी इन लोगों के बहुत बुरे हाल हैं। हम रास्ते से आ रहे थे, 90% रोड है जो हमें रफ रोड मिली, डस्टी डस्टी, धुआं ही धुआं था और धूल ही धूल चल रही थी। हमें ऐसा लग रहा था यार हम ये बुरुंडी में आए हैं या कहां पे आ चुके हैं, कोई अलग सा प्लेनेट है। मीन्स बुरे हाल, बुरे हाल। ये लोग अभी भी 90s में जी रहे हैं। रास्ते में आते हुए ना तो हमें कोई ज़्यादा गाड़ियां दिख रही थी, सिर्फ और सिर्फ साइकिल्स दिख रही थी। ये लोग साइकिल्स का यूज़ करते हैं ज़्यादा, क्योंकि गाड़ियों के लिए ना तो इनके पास है ख़रीदने के लिए, और इनको पैसे भी चाहिए गाड़ियों में रिफ्यूल करने के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए। इस कंट्री का जो टोटल एरिया है वो 27,000 स्क्वायर फीट एरिया है, लगभग हमारी इंडिया की लगभग। आई एम शूटिंग मी मैन नॉट यू। बुरुंडी में आके इतना हमें प्रॉब्लम शूट लेने में, ना तो तंजानिया में हुई, ना तो केनिया में हुई, लेकिन यहाँ पे बुरुंडी पे होने वाली है। कैमरा जैसे ही बाहर निकालते तो लोग बोलते हैं क्या क्यों शूट ले रहे हो, क्या कर रहे हो। अच्छा, तो मैं एरिया को लेके आपको बता रहा था। हमारी एक इंडिया की स्टेट उठा के देख लो, लाइक नॉर्थ ईस्ट में मेघालय देख लो, मेघालय का जितना ही एरिया है, मेघालय से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते बट उतना ही एरिया है, ज़्यादा बड़ी कंट्री ये नहीं है। हेलो ब्रदर, अम्मा हो रो निसावा निसावा हेलो ओके गुड 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 गुमुखरा थे कुकुंदा कुंदा माहिरा थे दुकुंदा रघुकुंदा अकुंदा माहिरा गुड। अच्छा, तो यहाँ के लैंग्वेज के बारे में आपका बता देता हूँ। तंजानिया और तंजानिया और कीनिया की लैंग्वेज है जो सेम लैंग्वेज थी, वहाँ पे स्वाहिली भी बोली जाती थी, इंग्लिश भी बोली जाती थी, लेकिन यहाँ की लैंग्वेज है जो डिफरेंट है। यहाँ की लैंग्वेज है किरुंडी। लाइक किसी को हमें पूछना हो अमा हो रो, किसी को पूछना हो आप कैसे हो, तो हमें बोलना होता है अमा हो रो, अमा हो रो बोलना होता है। लाइक स्वाहिली में हम बोलते हैं मोम्बो ओवा, हर लैंग्वेज ये समझ लेते हैं, स्वाहिली ये लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ की लैंग्वेज है किरुंडी, इनकी नेशनल लैंग्वेज है, और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, और फ्रेंच भी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये तीन लैंग्वेजेस यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं। बच्चे आते ही मगर हो गए हैं भाई, पैसे मांग रहे हैं खाने पीने के लिए। वाकई ही बहुत ही गरीब है ये देश। पुलिस पुलिस पुलिस। अभी मैं भाई से सिम ले रहा था, और सिम तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ सिम लेने वाले बहुत सारे बंदे आ गए। आप ये देख सकते हैं, जहाँ पे भी हम लोग खड़े होते हैं तो बहुत सारे बंदे आके हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। अभी मैं इधर जा रहा हूँ, देखना इधर भी आएंगे हमारे साथ। सिम पता नहीं कितने की मिल रही है, लेकिन ये हमें बहुत महंगी दे रहा है अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए हम ले रहे हैं। लुमिटेल सिम कार्ड है, और ये हमें 12,500 ब्रूंडियन फ्रेंक में दे रहा है, और इसमें हमें जो रिचार्ज करवाना है 7,000 ब्रूंडियन फ्रेंक का, लाइक 20-21,000 ब्रूंडियन फ्रेंक ले रहा है, जो कि लगभग इंडिया के 600 रुपए में बनता है। बहुत ही महंगा है भाई, बहुत ही महंगा। ये नंबर है भाई साहब हमारा यहाँ का ब्रूंडी का, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉल है जो बिल्कुल नहीं लगने वाली है। कॉल करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। और ब्रूंडी का जो डायलिंग कोड है वो है +257।
अभी रात के बज चुके हैं 7। मैं बाहर घूम घूम के मुझे होटल अभी तक नहीं मिला, और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ की पॉपुलेशन है जो 13 मिलियन के लगभग है, जिसमें 93% लोग क्रिश्चियंस रहते हैं, 2% मुस्लिम्स रहते हैं, और बाकी के जो ट्रेडिशनल फेथ होता है जिनका लाइक आदिवासी होते हैं वो 4% के लगभग है। तो अभी बाहर घूमते घूमते यही सब मैं देख रहा था। होटल मुझे अभी तक नहीं मिला, जिसको भी मैं पूछ रहा हूँ 2-3 मिले वो 70,000, 80,000, 90,000 ब्रूंडियन फ्रैंक बता रहे हैं, जो कि लगभग इंडिया का 2500-3000 कुछ इस तरह का जा रहा है। ये तो बहुत महंगा दे रहे हैं भाई साहब। तो भाई साहब फाइनली आपके भाई ने रूम है जो ले लिया, बहुत बढ़िया रूम मिला और पैसे भी इसके बहुत बढ़िया देने पड़े। कुछ इस तरह का रूम है, टीवी वगैरह लगी हुई है, और ये कुछ छत इस तरह का है इसका। ये जो रूम आपको दिखाया मैंने, ये बहुत टाइम ढूंढने के बाद ये हमें रूम मिला, और इस रूम की जो मुझे पेमेंट करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ 90,000 ब्रूंडियन फ्रैंक। इंडिया का कितना बन रहा है सामने आप देख लीजिएगा। रूम वैसे अच्छा है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक बार वॉशरूम का सैर करवा देता हूँ। कुछ इस तरह का वॉशरूम है, बढ़िया है। यहाँ पे नहाने वाने की जगह है, बहुत बढ़िया है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन लाइक ब्रूंडी कैसा है, ब्रूंडी का वीज़ा, ब्रूंडी का सिम कार्ड और ब्रूंडी के लोग, पॉपुलेशन, सब कुछ ब्रूंडी के बारे में मैंने आपको बताया। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रूंडी कितना एक्सपेंसिव है भाई, कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। रूम तो बहुत महंगा मिला, खाना पीना तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया, सुबह के निकले हुए हैं। तो अभी हम जाएंगे खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम करेंगे रेस्ट, और सुबह उठ के यहाँ पे मार्केट दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि ब्रूंडी कितना एक्सपेंसिव है। तो ये कंट्री जो मैंने आपको दिखाई, इसको बोला जाता है कि दुनिया की सबसे गरीब कंट्री, और वाकई ही ये गरीब कंट्री है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है।